नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी व्याकरण में स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको अ आ ई ई की मात्राओं का ज्ञान करवाया था। आज हम उसके आगे की 3 मात्राओं उ यानी छोटा उ, बड़ा उ और री की मात्रा की पहचान कर उसका उच्चारण कैसे करना है, उसे कैसे पढ़ना और लिखना है के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह होते हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। आज सबसे पहले उ की मात्रा से शुरू करते हैं। ये उ की मात्रा है, इसका चिन्ह ध्यान से देखें। इसे र व्यंजन को छोड़कर सभी व्यंजनों में इसका चिन्ह नीचे से लगता है। र अक्षर में इसकी मात्रा दाईं तरफ लगाई जाती है। देखिए इस तरह र को उ की मात्रा रू। अब हम किसी भी व्यंजन के साथ जब उ की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण धीमे स्वर में और जल्दी होता है। अब हम उ स्वर की मात्रा को व्यंजनों के साथ जोड़कर पढ़ते हैं। ये अक्षर देखिए, क, क को छोटे उ की मात्रा क्या बना, कु। इसी तरह ख के साथ उ की मात्रा जोड़िए बना खु। ग के साथ छोटे उ की मात्रा जोड़िए, उच्चारण हुआ गु। अब हम कुछ अक्षरों के नीचे उ की मात्रा जोड़कर शब्द पढ़ते हैं। प को छोटे उ की मात्रा ल, शब्द जोड़िए हु ल पुल। ग को छोटे उ की मात्रा ल को आ की मात्रा ब, शब्द जोड़िए क्या बना गुलाब। ज को छोटे उ की मात्रा र को आ की मात्रा ब, जुराब। इसी तरह हम अन्य शब्द भी जोड़कर पढ़ते हैं। साबुन, दुकान, पुकार, चूहिया, बुलबुल, कुदरत, रुपया। इन शब्दों में जितने भी लाल रंग के चिन्ह हैं ये सभी उ की मात्रा के चिन्ह हैं। अब हम उ यानी बड़े उ की मात्रा पढ़ेंगे। इसका चिन्ह भी ध्यान से पहचानिए। ये चिन्ह भी र को छोड़कर सभी व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है। र अक्षर में इसकी मात्रा दाईं तरफ लगाई जाती है। देखिए कैसे, र को उ की मात्रा के साथ जोड़ें तो शब्द बना रू। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। याद रखें, व्यंजनों में बड़े उ की मात्रा लगाते ही इसका उच्चारण लंबा तथा काफी समय तक पढ़ा जाता है। आइए इसे भी व्यंजनों के साथ जोड़कर इसका उच्चारण करते हैं। क को बड़े उ की मात्रा कु, ख को बड़े उ की मात्रा खु। इसी तरह ग को बड़े उ की मात्रा गु। देखा आपने, बड़े उ की मात्रा लगते ही व्यंजनों ने स्वर की आवाज को लंबा व काफी समय दिया। अब हम इन्हें शब्दों के साथ पढ़ते हैं। स को बड़े उ की मात्रा सु र ज, अब मिलाकर पढ़िए शब्द बना सूरज। इसी तरह त र ब को उ की मात्रा ज, मिलाकर पढ़िए शब्द बना तरबूज। आगे देखिए, म ज द को बड़े उ की मात्रा र, शब्द बना मजदूर। अब कुछ उ की मात्रा से जुड़े अन्य शब्द पढ़ते हैं। तराजू, नाखून, खजूर, चूहा, खून, फूल। ये लाल रंग के चिन्ह जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी बड़ी उ की मात्रा के चिन्ह हैं। अब हम सातवें स्वर री की मात्रा पढ़ेंगे। इसके चिन्ह को भी ध्यान से पहचानिए। इसे भी र को छोड़कर सभी व्यंजनों के नीचे लिखा जाता है। इस मात्रा के उच्चारण पर भी विशेष ध्यान दें।
जब हम इसे किसी व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ होंठ और तालू के बीच के भाग को छूती है। व्यंजनों के साथ मिलाकर इसका उच्चारण करें। क के साथ री की मात्रा मिलाएं और इसका उच्चारण करें। क के साथ री की मात्रा क्री, ख के साथ री की मात्रा क्री, ग के नीचे री की मात्रा ग्री। अब री स्वर को व्यंजनों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। व के नीचे री, श, शब्द जोड़िए क्या बना, वृक्ष। म को आ की मात्रा, त के नीचे री जोड़िए, शब्द बना मात्र। आगे पढ़िए, क के नीचे री जोड़िए क्र, श के साथ छोटी की मात्रा मिलाइए, शब्द जोड़िए कृषि। अन्य शब्द पढ़ें, अमृत, प्रित, कृपान, गृहिणी, सर्जन। इन सभी शब्दों में लाल रंग के चिन्ह पहचान कर इसका बार बार उच्चारण करें। आज आपको मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी। आपने ऊ, ऊ और री इन तीनों स्वरों की मात्राओं को अच्छे से पहचान कर इसका बार बार अभ्यास करके कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।